यूनिवर्सिटी के साथ तीन खेल संघों का एमओयू हुआ है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दे, झारखंड के तीन खेल संघों और रांची यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू हुआ है। आर्चरी, एथलेटिक्स, वुशु, इन खेल संघों के साथ रांची यूनिवर्सिटी का एमओयू हुआ है। रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर एमसी मेहता और खेल संघों के पदाधिकारियों ने ये एमओयू साइन किए हैं। कॉलेजों के ऐसे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा जिन्हें इन खेलों में रुचि है। इसी के साथ रांची यूनिवर्सिटी के लिए आज का दिन खेल को लेकर ऐतिहासिक माना जा रहा है। रांची यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने बताया कि आर्चरी का प्रशिक्षण केंद्र सिल्ली कॉलेज होगा। तो कहीं ना कहीं इस एमओयू से, इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर खबर और आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं खेल प्रेमियों के लिए भी और खेल से जुड़े लोगों के लिए एक बेहतर प्रशिक्षण की भी उम्मीद की जा सकती है। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ फोन लाइन पर तमाम जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, इस मामले पर पूरी जानकारी, क्या कुछ अपडेट? एजेंसी क्या होगी? क्योंकि तीन जो झारखंड के जो तीन संघ है, एक आर्चरी है, वुशु है, एथलेटिक, तो पहले से वॉलीबॉल संघ जो है वो रांची विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ रहा था। आज जब एमओयू हो रहा था उसमें कुलपति कामिनी कुमार भी मौजूद थी और रांची विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर एमसी मेहता वो मौजूद थे और शिवेंद्र नाथ दुबे जो वुशु गेम के कोषाध्यक्ष हैं, इसके साथ साथ अन्य और कई भी पदाधिकारी थे। एमओयू हुआ है, इससे सबसे बड़ी बात उन विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा जो इन खेलों में आना चाहते हैं या फिर जो इन खेलों में अभी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन्हें विशेष प्रशिक्षण जो है अब संघ के माध्यम से दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसे सिल्ली कॉलेज है, सिल्ली कॉलेज में पहले से आर्चरी का प्रशिक्षण चलता है, तो रांची विश्वविद्यालय में लगभग 15 अंगीभूत कॉलेज है जिसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में कॉलेज है, तो उन कॉलेजों में भी जब ये प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा इन खेलों का और विशेष जो कोच होंगे वो प्रशिक्षण देंगे, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय फलक पे रांची विश्वविद्यालय का जो विद्यार्थी होगा वो खेल में आगे बढ़ेगा। तमाम दर्शकों को बता दूं कि रांची विश्वविद्यालय की एक छात्रा थी मधुमिता, तो सिल्ली के रहने वाली थी, एशियाड में उसने रजत पदक जीता था, तो ये रांची विश्वविद्यालय की उपलब्धियां रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ जो जो उभरते खिलाड़ी हैं उनके प्रयास से विश्वविद्यालय का भी नाम रोशन है। फ्लोरेंस बाखला का नाम ले जो कि एथलेटिक्स में कई खेलों में वो राष्ट्रीय फलक से पदक हासिल किया है। जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं इंजीनियर्स एमओयू से आने वाले वक्त में तस्वीरें और भी बेहतर नजर आएंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।